आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। 85 वर्ष के अधिक के आयु के अक्षम और दिव्यांग जनों को घर पर मिलेगी मतदान की सुविधा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजन और 40% से अधिक दिव्यांग जन जो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र जाने में सक्षम नहीं है, उन्हें घर पर ही मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी परिपेक्ष में 22 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि घर पर मतदान की सुविधा केवल उन्हीं मतदाताओं को दी जाएगी जो 85 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजन और 40% से अधिक दिव्यांग है तथा मतदान केंद्र में जाने में सक्षम नहीं है। घर पर मतदान की सुविधा चाहने वाले ऐसे वृद्धजन और दिव्यांगजनों को बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12D भरकर देना होगा। घर पर मतदान कराने के लिए अलग से टीम बनाई जाएगी। घर पर मतदान कराने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट बीएलए भी उपस्थित रह सकते हैं। प्रशिक्षण में बताया गया कि वृद्धजन और दिव्यांगजन द्वारा फॉर्म 12D गलत भरने पर निरस्त हो जाएगा और मतदाता को मतदान केंद्र पर जाकर ही मतदान करना होगा। फॉर्म 12D भरकर देने वाले मतदान करने वाली टीम उसके घर जाएगी। पहली बार मतदाता के घर पर नहीं मिलने पर टीम दूसरी बार घर पहुंचेगी, तिथि बता देगी। इस तिथि पर भी मतदाता घर पर नहीं मिलेगा तो मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकेगा, क्योंकि मतदान केंद्र को उपलब्ध कराई गई मतदाता सूची में फॉर्म 12D में आवेदन करने वाले मतदाता के नाम के सामने पोस्टल बैलेट लिख दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जेएस बघेल, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, एसडीएम श्री भास्कर गाछले, डिप्टी कलेक्टर श्री सत्येंद्र बेरवा, सुश्री पूर्वा मंडलोई, मास्टर ट्रेनर श्री अमित शर्मा, श्री राजेश कानूनगो, श्री अश्विन गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री दिनेश पटेल, भारतीय जनता पार्टी के श्री मोहन राठौर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स के श्री वासुदेव विश्रोले और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।